सो अगेन हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो फिर से आ गए हम इस नए वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, किस कैसी क्वांटिटी होती है, क्या इसका रोल होता है, सो ये सब हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया था। होपफुली आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर समझ लिए होंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है और जो दिक्कत भी आया होगा तो उसको आप रेज करेंगे हमारे साथ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर्ड है आपके लिए और तो उसको आप चलिए इसका क्लास में हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरली पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी को कहते हैं ना कि बहुत पोटेंशियल है, मतलब कि पोटेंशियल करने का मतलब क्या है, कुछ अच्छा काम करने का जो है उसमें कैपेबिलिटी। ओके, सो उसमें कहते हैं पोटेंशियल है, कुछ अच्छा नाम अच्छा काम कर सकता है सोसाइटी के लिए। सो इस केस में पोटेंशियल की बात करेंगे तो फिजिक्स में भी पोटेंशियल कुछ ऐसा ही होता है, वर्क से ही रिलेटेड होता है। ओके, सो पोटेंशियल की बात करते हैं तो इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ए ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी याद रखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्सलरेशन की जगह कहीं कहीं पे स्लोली भी यूज किया जाता है और आप कह सकते हो और विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी और विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी, ऐसा भी बोल सकते हो, और विदाउट चेंजिंग, जीरो एक्सलेशन करने का मतलब क्या है, नो चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, और स्लोली बेसिकली वो स्लोली होता है। ओके, सो इस टर्म में याद रखेंगे। सो क्या है डिफिनेशन, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैव टू बी फाइंड आउट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट विदाउट एक्सलेशन की जगह हम वर्ड जो है स्लोली भी यूज कर सकते हैं, विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज कि ये मास है, पॉइंट मास या स्फेरिकल मास कंसीडर करो इसको कैपिटल एम, इसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पॉइंट पी पे जिसका पोजिशन जो है इस पॉइंट मास या स्फेरिकल मास के सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट पी का जो है डिस्टेंस जो है आर है, सो इस पॉइंट पी पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सपोज बहुत दूर से एक टेस्ट मास है, पॉइंट मास है m, टेस्ट मास इसको बोल सकते हैं, टेस्ट मास, पॉइंट मास m है और उसको हम क्या करते हैं फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम या एट इंफिनिटी पे है, इसको हम यहां पर लाते हैं जब तब हमें करना पड़ता है वर्क डन w, ओके, विदाउट एक्सलेशन जब हम लाते हैं वेरी स्लोली इसको यहां से यहां पर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है w, देन इस पॉइंट p का पोटेंशियल जो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल w बाय m हो जाएगा। याद रखेंगे ये क्या है हमने लाया, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा vp की बात करेंगे तो w एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाय m, याद रखोगे। और अगर जो है इसी एक्सटर्नल को याद रखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ओके। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे, अभी यहां पे ये बेसिकली पोटेंशियल भी हम जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है उसके लिए डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है सो उसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे और सिमिलर फैशन में डिफाइन करेंगे, सो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट विदाउट एक्सलेशन। सो बहुत दूर एक इंफिनिटी पे क्या है एक पॉइंट मास है m, जिसको हम टेस्ट मास बोल सकते हैं, उसको हम एक जो मास है एक बॉडी ऑफ मास कैपिटल m, जिसको आप सोर्स मास बोल सकते हो, सोर्स मास ऑफ मास कैपिटल m, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन r पे हमें प्लेस करते हैं जिसमें वर्क करना पड़ता है w। तो m मास के लिए हमने वर्क किया w, तो यूनिट मास के लिए w बाय m हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या होगा w बाय m, और इसको आप लिख सकते हो फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, हम ऐसा भी कर सकते हो, ओके। सो याद रखेंगे ये एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, और यहां पे फील्ड फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इसको आप याद रखेंगे, वेरी जो है ये डिस्क्रिप्शन है, वेरी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन हुआ आपका, डेफिनेशन हुआ, अब इसको और हम एनालाइज करेंगे, चलिए ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक बार फिर से क्या होता है, ये इन ए गिवन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ बॉडी ऑफ मास m, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट विदाउट एक्सलेशन और स्लोली, ओके। सो होप आप ये समझ गए होंगे डेफिनेशन, एक बार फिर से पॉज करके इसको रिपीट कर लीजिए और यहां पे हम आगे बढ़ते हैं फिर। सो सबसे पहला केस होगा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बातचीत कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। सो पहला केस हम डिफरेंट मास के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मास के लिए उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, सो सपोज कि एक पॉइंट मास है हमारा जिसको हम सोर्स मास बोलेंगे कैपिटल m, और इसके सराउंडिंग में क्या है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन r पे पॉइंट p पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक टेस्ट मास जो है m, टेस्ट मास m एट इंफिनिटी है, इसको हम स्लोली यहां से यहां तक ले आते, चलो। सो फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट तक लाने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो ये मास मान लो कि ये यहां पे जनरली जो है ये पॉइंट मास कैपिटल m है,
और ये जो टेस्ट मास है स्मॉल एम है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ये है एक्स, ये है एक्स, ओके चलो ठीक है। तो इन यहां पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ जी इक्वल टू क्या होगा, एफ जी हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर टूअर्स द सोर्स मास, ओके। अब इसको जो है यहां से छोटा सा जो है, छोटा सा अगर हम क्या करें, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इसको यहां पर लाना है। मान लो कि इसको फिर से बना देते हैं आपको, ये सोर्स मास, ये जो है आपका टेस्ट मास, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एफ जी। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिए एफ जी और ये डी एक्स लग गया। सो अगर देखो, अगर यहां पे ऑलरेडी इसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सो एक्सटर्नल एजेंट को स्लोली लाना है, एक्सटर्नल एजेंट को इसको स्लोली मूव कराना है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है इधर लगेगा एफ एक्सटर्नल। अब एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जो होना चाहिए इसका जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर एफ जी होगा और इधर ये एफ एक्सटर्नल। सो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर। चलो अब अलोंग द डायरेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय by external agent in displacement, in displacement of m by dx, इसको हम dx से क्या करते हैं, इसको dx से इधर कर देते हैं, ठीक है जी। so dx से इधर कर देते हैं, displace कर देते हैं। So, ये डिस्प्लेसमेंट dx जो होगा इधर होगा और ये जो है इधर है, ओके। सो इस केस में देखो तो m को एक बार देख लो, dx इधर है, f एक्सटर्नल इधर है। सो dw जो होगा, dw क्या होगा, f एक्सटर्नल डॉट dx, dr बोलते हैं बेसिकली। So, ये हो जाएगा डी आर का, देखो डी आर जो है, आर का डायरेक्शन जो है, आर का डायरेक्शन इधर होगा और ये इसका डायरेक्शन डी एक्स इधर है। सो डी एक्स की बात करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी आर। सो एफ डॉट, बेसिकली इसकी बात करेंगे तो ये डी एक्स होगा। चलो सो हम इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल इधर है, डीएक्स इधर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी एम एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डीएक्स। सो हो जाएगा आपका जी एम एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। चलो माइनस डीएक्स की बात करेंगे तो ओके, क्योंकि दोनों के बीच जो है 180 डिग्री का बन रहा है। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो टोटल वर्क डन की बात करेंगे, टोटल वर्क डन सो इसको हम मिटा देते हैं, अब यहां तक आप समझ रखे हो। सो टोटल वर्क डन ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ dw की बात करेंगे, ये हो जाएगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स और
from x equal to infinity to x equal to r. Obviously g constant, m constant. So work done जो हो जाएगा ये आपका minus minus gm by x. इसमें अपर लिमिट जो होगा r होगा, लोअर लिमिट इंफिनिटी होगा. सो w इक्वल टू हो गया माइनस जी एम वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी, ये हो गया जीरो. सो w इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहां पे हम m की बात किए तो ये यहां पे m स्मॉल m छूट रहा है, स्मॉल m छूट रहा है. सो स्मॉल m वहां पे इंक्लूड करोगे, पहले स्मॉल m इंक्लूड करेंगे, स्मॉल m हो गया. सो माइनस जी एम एम बाय आर हो गया. ठीक है जी. सो ये जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ है इतना, और इसको हम मिटा देते हैं. अब सो यहां पे देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा v इक्वल टू क्या होगा, w बाय m, w बाय m कर दिए तो माइनस जी एम बाय आर. ओके, सो ये याद रखेंगे, v इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर. ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन द फील्ड ऑफ पॉइंट मास एट डिस्टेंस आर. ओके, सो ये याद रखेंगे, एट डिस्टेंस आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ पॉइंट मास कैपिटल एम एट डिस्टेंस आर जो होगा माइनस जी एम बाय आर. ओके, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल आर जब इंफिनिटी हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ये हो गया आपका जीरो. आर का वैल्यू इंफिनाइट कर देंगे तो यहां पे जीरो हो जाएगा. सो इसको आप ध्यान रखेंगे, और पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, और इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाता है. इसको हम याद रखेंगे. सो होपफुली यहां तक समझ गए होंगे बच्चे. सो पॉइंट मास के कारण तो आप समझ गए, ड्यू टू कंटिन्यूअस मास. अब आते हैं तो सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन पे. पहला मान लो कि एक रिंग है, रिंग कैसा होता है आप जानते हो. सो रिंग का मास जो है कैपिटल एम है, और रेडियस जो है आर है, और इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पी पे जिसका सेंटर से सेपरेशन एक्स है, और ये इस पॉइंट पी पे हमें वीपी कैलकुलेट करना है, वीपी इक्वल टू व्हाट. ओके, सिंपल सा जो है, पहले जैसे ग्रेविटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे तो वैसे ही कंसीडर एलिमेंट, एक एलिमेंट एट पेरिफेरी या सर्कमफेरेंस. तो ये जो होगा कंसीडर एन एलिमेंट एन इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट एट पेरिफेरी ऑफ मास डीएम. अब ये पॉइंट मास जो होगा, ये एलिमेंटल मास जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिंग, ये रिंग है, रिंग को खोल के देखेंगे तो एक लाइन मिलेगा, और लाइन का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे तो पॉइंट मिलेगा. तो ये जो है इसका पॉइंट
मास को अगर देखेंगे तो इसका मास जो हो जाएगा डीएम हो जाएगा, और इस डीएम की वजह से इस पॉइंट पी पे आर की बात करेंगे तो ये आर जो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पी पे देखेंगे तो इस डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल होगा, छोटा सा पोटेंशियल होगा डीवी की बात करेंगे तो ये क्या होता है जी पॉइंट मास के कारण जी एम बाय आर, तो ये माइनस जी डीएम बाय आर करेंगे, या डीवी को आप लिखोगे तो माइनस जी डीएम बाय आर का वैल्यू क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरे जो पॉइंट मास है सारे पॉइंट मास के लिए हम क्या करेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट पे अलग अलग निकाल के और सबको सम अप करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है याद रखेंगे। सो सम अप करेंगे तो ये क्या होगा स्केलरली सम अप होगा ऐड कर लेंगे। सो इसको हम देखेंगे तो v की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो g और इंटीग्रेट किसे करना पड़ेगा ओनली dm को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि गिवन पोजीशन के लिए और गिवन r के लिए x का भी वैल्यू क्या है कांस्टेंट रखना है, आर भी कांस्टेंट रखना है, तो सारे पॉइंट का इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो चेंज नहीं होना है तो इसको हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली मास को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी इक्वल टू हो जाएगा जी एम, यहाँ पे माइनस साइन होगा माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा v इक्वल टू माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ओके सो vp इक्वल टू वर्क बाय मास निकालते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं बेसिक फॉर्मूला ग्रेविटेशन पोटेंशियल का याद रखेंगे। ओके वर्क बाय ग्रेविटी में मास करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करेंगे वर्क बाय चार्ज करेंगे। ओके सो यहाँ पे वर्क बाय मास होता है तो पॉइंट मास के कारण माइनस जी एम बाय आर, यहाँ पे सर्कुलर मास के कारण एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस के फ्रॉम सेंटर एट एक्सिस फ्रॉम सेंटर एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो हो जाएगा माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी चलिए ठीक है। सो इसकी बात करेंगे तो ये जो होगा ग्राफ देखोगे तो अगर मैग्नीट्यूड को हटा दें तो ये जो होगा मैक्सिमम जो हो जाएगा मिनिमम पोटेंशियल की बात करेंगे तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा देखो नेगेटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू कब होगा जब ये वैल्यू जो है सबसे कम होगा, ये वैल्यू सब एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम होगा तो ये वी क्या होगा मिनिमम होगा बिकॉज नेगेटिव है तो ये मैग्नीट्यूड जितना ही मैक्सिमम होगा उतना ही ये मिनिमम होगा ओवरऑल। तो एक्स की बात करेंगे तो एक्स ये वाला मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा जब नीचे वाला जो है मिनिमम हो जाएगा, तो नीचे वाला मिनिमम कब होगा जब एक्स का वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा, तो ये जो है वी मिनिमम ये हो जाएगा जी एम बाय आर ही हो जाएगा। ये कब होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो करने का मतलब ये पॉइंट सेंटर पे हो और एट सेंटर सेंटर पे होगा तो पोटेंशियल क्या होगा मिनिमम होगा और जितना ही दूर जाते जाएंगे इनफाइनाइट पे चले गए तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। ओके सो ये याद रखोगे ये सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल क्या होगा माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेंटर पे क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर ही हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा। सो ये देखो माइनस जी एम बाय आर कर देते हैं और इसका ग्राफ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से डिक्रीज करते जाएगा इसमें इस तरह से हो जाएगा डिक्रीज करेगा। ये x है ये v है चलो सो इसको हम मिटा देते हैं
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर मास सीख लिया आपने, अब क्या होगा, सर्कल के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क शेप मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एट सेंटर यहां पे ए में एक्सियल पोजीशन पे था और ये बी जो है ये क्या हो जाएगा एट सेंटर, ये याद रखोगे। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं, अब डिस्क केस में आ जाते हैं। चलो सर, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब डिस्क के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो उसमें एलिमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, रिंग होता है। वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, हमारा रिंग शेप का होना चाहिए। तो अगर मान लें कि ये हमारा डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस सेंटर से ये रेडियस है कैपिटल आर, तो इसके एक्सियल पोजीशन एक्स पे पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे किस पे, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो तो ये इस तरह से हमने रिंग कंसीडर किया, सो इस रिंग का क्या होगा, एरिया जो होगा डीए की बात करेंगे तो ये हो गया 2πr इंटू dr हो गया 2πr, और ये जो है आपका dr, तो 2πr इंटू dr। मास की बात करेंगे तो dm जो हो जाएगा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा डिस्क का, टोटल मास ऑफ दिस डिस्क एंड डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल मास ऑफ दिस डिस्क इज कैपिटल m, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिस्क इज पाई आर स्क्वायर। सो ये सरफेस मास डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया 2πr क्या हो जाएगा, ये दिस सर्कुलर रिंग का जो है मास मिल जाएगा। अब इस सर्कुलर रिंग की वजह से, सर्कुलर रिंग का मास कुछ है और उसका रेडियस है, सो उसके एक्सियल पोजीशन x पे, एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट p पे अगर हम इस छोटे से मास के कारण, छोटे से मास dm के कारण dv लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी डीएम बाय अंडर रूट क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर्ड और ये आर स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर्ड। चलो ठीक है जी, ये dv हो गया। अब क्या करें हम, इसको dm को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस जी डीएम को लिखते हैं क्या, एम बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया जो है 2πr स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं। सो पाई पाई कैंसिल हो गया था और एम बाय आर स्क्वायर 2rdr, तो यहां पे हमें सीधा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तो एम बाय आर स्क्वायर 2rdr, इसको इस तरह से लिखो dm की जगह m by r square into 2rdr, और ये हो गया आपका under root x square plus r square। अब हमें net potential लिखना है, तो net potential मतलब इस ring को क्या है, radius जो है r equal to 0 से r equal to capital R तक integrate करना पड़ेगा। आप जानते हो हमें क्या है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो r है इसका वेरिएशन क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू 0 से स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r, स्मॉल r इक्वल टू 0 से स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r, जो कांस्टेंट टर्म है पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया gm by r स्क्वायर और ये हो गया 2rdr by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसा इंटीग्रेशन हम पहले भी देख सकते हैं, R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू कैपिटल R करो, ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग पहले भी कर रखे हो, अगर जिनको पहले वाले वीडियो में नहीं समझ में आया उसके लिए एक बार फिर से कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमें करना है, बस ये वैल्यू हमें V का वैल्यू मिल जाएगा बस फटाफट। सो ये देखो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, एक बार आप लोग खुद कर लोगे। हमने क्या किया कि टोटल जो ये बड़ा वाला डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल R है, उसका टोटल मास डिस्क का टोटल मास जो है कैपिटल एम है,
तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्क पे जो है सेंटर से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग कंसीडर करते हैं। तो इस रिंग शेप का जो है एरिया हो जाएगा, स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, 2πr। इस रिंग को खोलेंगे तो सर्कमफेरेंस लेंथ होगा 2πr और विड्थ हो जाएगा dr, तो छोटा सा एरिया 2πr into dr। सो इसका छोटे से अनुलर शेप का जो मास होगा dr वो हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया 2πr dr, और ये फाइनल फॉर्म में आता है m by capital R square into 2r dr। सो इस रिंग के कारण आपने पहले इसके जस्ट इसी वीडियो में हम देखे हैं, रिंग के कारण जो होता है क्या होता है, पोटेंशियल लिखते हैं तो जी एम, यहाँ पे रिंग का जो रेडियस क्या है, रिंग का मास डीएम है तो एम की जगह डीएम लिखोगे, और नीचे आप लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे रिंग का रेडियस आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, एक्सल डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। ये क्या होगा, सिर्फ एक छोटे से पार्ट मतलब कि एक रिंग शेप के पार्ट के कारण है, तो पूरा डिस्क का लिखना होगा। तो ये जो रिंग बनेगा हमारा आर इक्वल टू जीरो से R इक्वल टू कैपिटल R तक इनफाइनाइट रिंग हम बना सकते हैं, छोटा छोटा पतला पतला करके। ओके सो इसको इंटीग्रेट कर देना, अब ये वाला जानते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम कंसेप्ट जो है हमें इलेक्ट्रोस्टेट में भी यूज करना है, तो उसको याद रखेंगे इसको। सो इसमें देखो यहां पर अगर आपने इफ जो है एक्स जेड इक्वल टू आपने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो डी जेड बाय डी आर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो, ये हो गया टू आर, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और ये इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू आर हो जाएगा। सो डी जेड इक्वल टू टू आर डी आर, मतलब 2R dr की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2R dr की जगह आप लिख सकते हो dz, और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह z लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका dz by अंडर रूट z, इसको आप लिख सकते हो z का पावर माइनस हाफ टाइम dz। अब x टू द n dx का इंटीग्रेशन आप जानते हो, x का पावर n प्लस वन तो माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन तो माइनस हाफ प्लस वन, दैट इज ये हो जाता है आपका जेड का पावर वन बाय टू, दैट इज रूट जेड। रूट जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये वाला जो है हमारा इंटीग्रेशन, ये आप अलग से नोट कर सकते हो। चलो हम अगेन जो है इसको अलग से हम इलिमिनेट कर देते हैं। सो ऐसा इंटीग्रेशन होगा इलेक्ट्रोस्टेट में भी बार बार हमें यूज करना पड़ता है, याद रखेंगे 2r dr by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू जो होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, और 2R dr को इसको आप लिखते हो क्या, हाँ नीचे जो था वो था आपका 2 रूट जेड था, तो 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे r का वैल्यू जो है एक बार जीरो पुट करेंगे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में कैपिटल R पुट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा gm, 2gm बाय r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इसमें 2 बाहर ले लिया तो 2 इधर हो गया, और ये देखो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक बार कैपिटल आर स्क्वायर पुट करो, और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दैट इज इसको हम मिटा ही देते हैं और इसका पावर भी हटा देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा। ओके चलो सो देख लो, जीरो पुट करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स हो जाएगा, आर पुट किया तो ये वाला आ जाएगा। चलो ये हो गया, आप होपफुली अच्छे से समझ लियो। सो ये क्या हुआ, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एक्स, ठीक है।
अब इसको ही हम एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर डिस्क जो है इसको हम मिटा के देखें, ये डिस्क है, ये पॉइंट पी है, पेरिफेरी से अगर ये जो पॉइंट पी जो है ये थीटा एंगल बनाता है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये यहां से एक्स होता है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है और ये आर होता है। तो अगर आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिखना पड़े तो क्या कर सकते हो, देखो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर इसको कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर लिखेंगे तो इसको क्या कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। सो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू देखो 2gm r, और यहां पे हम देखो सब प्रीवियस दो तीन टर्म होगा वहां पर भी हम माइनस लगाना भूल गए बच्चे, माइनस वहां पे जो भी मिटा दिए उसमें माइनस लगा लोगे, ओके ड्यू टू सर्कुलर रिंग के कारण भी जो होता है माइनस लगा होता है, तो हमने माइनस लगाना भूल गया यहां पे, तो ये माइनस होगा माइनस 2gm बाय आर, एक इसका एक आर इंटू आर लिखें और एक आर को हम अंदर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय आर माइनस एक्स बाय आर। सो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे वीडियो में, हम इसको मिटा रहे हैं। सो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू माइनस 2gm बाय r, और ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। सो बहुत सारे बुक में ये डिराइव नहीं किया रहता है, आपके लिए मैं यहाँ पे डिराइव कर देता हूं, ओके ठीक है। चलिए सिमिलर जो है फैशन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे सिमिलर फैशन में, वहां पर भी हमें ये रिजल्ट वेरी सिमिलर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, वहां पे जस्ट मास की जगह चार्ज होगा, ओके। सो आप लोग इसको बराबर से याद रखोगे, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है, ओके। सो आगे वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। सो चलिए आप इसको समझ लिए, और एट सेंटर पे बात करेंगे, एट सेंटर ऑफ डिस्क की बात करेंगे, तो सेंटर ऑफ डिस्क की बात करेंगे आप तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वहां पे देखो सेंटर एक्स का वैल्यू जीरो कर पुट कर दे अगर गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये एक्स स्क्वायर ये जीरो प्लस आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा और ये जीरो। सो ये हो जाएगा आपका वी इक्वल टू माइनस जी एम बाय 2gm है और ऊपर r था नीचे r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, ओके। सो दूसरा जो है एट सेंटर ऑफ डिस्क जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 2gm बाय r, माइनस 2gm बाय r, इसको आप याद रखेंगे बहुत बहुत जरूरी है, चलिए क्योंकि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, अगर ये अच्छे से समझ रखे अच्छे से याद रखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से कर लोगे, डेरिवेटिव पार्ट आपको याद रखे अगर तो न्यूमेरिकल में आसानी से ज्यादा न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है कंसेप्ट जो है और अच्छा हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है। चलिए तो हमने क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क मास, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन शेप ऑफ डिस्क कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल मास एंड सॉलिड स्फेरिकल मास। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल मास, ओके। चलो हॉलो स्फेयर में अगर बात करेंगे तो हॉलो स्फेयर में क्या होगा, वी इनसाइड,
तीन पोजीशन हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड। ओके, सो इनसाइड की बात करेंगे तो हॉलो स्फीयर में मास ओनली सरफेस पे होता है, तो एक छोटा सा मास यहाँ पे कंसीडर करो, पैच एरिया का छोटा सा मास। सो इस पॉइंट मास के कारण यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे इनसाइड पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो इनसाइड पोजीशन की बात करेंगे या सेंटर पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो db इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी डीएम बाय आर। अब कोई भी हम पॉइंट मास कंसीडर करें, कोई भी पॉइंट मास कंसीडर करें तो ये क्या होगा, कोई भी सरफेस, किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मास कंसीडर करोगे उसके कारण सेंटर पे अगर आप देखोगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो होगा r का स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल r के इक्वल ही होगा। तो v की बात करेंगे तो माइनस जी बाय आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर सेंटर। ओके, सो ये हो जाता है हॉलो स्फीयर के केस में v सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे हो जाता है माइनस जी एम बाय आर। एंड ऑल्सो दूसरा याद रखेंगे, एट सरफेस पे भी पोटेंशियल जो होगा वी सरफेस माइनस जी एम बाय आर ही होगा, माइनस जी एम बाय आर ही होगा। एंड वी आउटसाइड सी नंबर में हॉलो स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट पी पे अगर बात करते हैं तो वी जो हो जाएगा इस केस में ये यहां से लेकर यहां से सेंटर से हॉलो स्फीयर के सेंटर से अगर इस पॉइंट पी का जो पोजीशन है वो डिस्टेंस एट स्मॉल आर तो माइनस जी एम बाय आर। मतलब क्या है, ये हॉलो स्फीयरिकल मास को पॉइंट मास कंसीडर करो और वो पॉइंट मास कहां पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर पे प्लेस्ड है, और उससे अगर सेंटर से पोजीशन है किसी पॉइंट का आर तो जनरली हम लिखेंगे पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर लिखेंगे, आउटसाइड में ये होगा। तो इसमें याद रखेंगे इनसाइड जो होगा अगर पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे तो पोटेंशियल वी और ये जो होता है आर है, अगर तो सेंटर पे ये आर इक्वल टू जीरो होगा सेंटर पे तो ये हो गया माइनस जी एम बाय आर, और ये वैल्यू क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा अप टू व्हिच पॉइंट आर इक्वल टू आर, और उसके बाद ये क्या होगा डिक्रीज करेगा हाइपरबोलिकली, डिक्रीज करेगा हाइपरबोलिकली। सो ये याद रखेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, अगर आर जो है कैपिटल आर से छोटा होता है तो ये कॉन्स्टेंट होता है और उसके बाद डिक्रीज करेगा जैसे सरफेस से बाहर जाएंगे, सरफेस के ऊपर जाएंगे। याद रखेंगे इसको, हॉलोस्फेरिक इसमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विद इन इनसाइड जो होता था वो जीरो होता था, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या था जीरो, ये ग्राफ दिखता ही नहीं था, लेकिन पोटेंशियल में दिखेगा, पोटेंशियल में क्या है दिखेगा, और वो अप टू सरफेस यहां से यहां तक किधर भी किसी भी डायरेक्शन में अप टू सरफेस क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, इसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे यहां 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 सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा हॉलो स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, वो क्या होगा इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, इक्वल टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट सरफेस के इक्वल होगा, माइनस जी एम बाय आर उसका वैल्यू होगा, और जैसे ही सरफेस से बाहर इधर उधर कहीं पर भी जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर होगा। तो याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके रीजन में तो जीरो होता था जब r जो है इनसाइड तो जीरो होता था, r लेस देन r और r ग्रेटर देन r होता था क्या होता था माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे देखो r होता है r स्क्वायर नहीं होता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो कभी कभी जल्दीबाजी में कंफ्यूज कर जाते हैं, इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एक ही समझ लेते हैं बच्चे, तो वो दिक्कत है। याद रखेंगे इंटेंसिटी में नीचे r स्क्वायर होता है और उसमें क्या है r है, और ग्रेविटेशनल हॉलोस्फेयर के केस में इंटेंसिटी जीरो होता है इनसाइड बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वो क्या होगा माइनस जी एम बाय आर होगा किसी भी पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे चाहे 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 इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे, उस सब का वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होता है और माइनस जी एम बाय आर होता है। ये पॉइंट याद रखोगे, ग्राफ इस तरह से होगा अगर डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। हालांकि ये पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन नहीं, निगेटिव ही होता है पोटेंशियल, ये याद रखेंगे। तो हॉलो स्फीयर हो गया हमारा बच्चे। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आउटसाइड वाले में कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ए आर जब ग्रेटर देन आर होगा तो वी हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट पी है तो वी पी जो हो जाएगा आपका माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा। अगर आर जो है कैपिटल आर के इक्वल है तो वी जो हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, डेरिवेशन सिमिलर होता है, जैसा हम डेफिनेशन में पोटेंशियल का डेरिवेशन किए थे वैसा ही डेरिवेशन यहां पर भी होगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इनसाइड पॉइंट वाला जो इंटरेस्टिंग होता है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसाइड पॉइंट के लिए ज्यादातर आते हैं। तो देखो इस केस में हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, पॉइंट मास हो, सबके लिए क्या होगा, आउटसाइड है तो माइनस जी एम बाय आर होगा। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सरफेस पे पॉइंट है तो माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा जब हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड सॉलिड स्फीयर के केस में याद रखोगे, तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर के केस में हमें मान लो कि इस पॉइंट पी पे लाना है, ओके। तो ये जो है इसकी बात कर लें, ये सेंटर है, ये सेंटर है और इस पॉइंट पी पे लाना है। आर इक्वल टू इंफिनिटी से हमें इस पॉइंट पी पे लाना है, ओके। सो इस केस में हमें इस पॉइंट पी पे लाना है इस मास को एम, तो पोटेंशियल लिखते हो आप, क्या लिखते हो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको P है, ये S है, ये Q है, Q to P divided by mass M, ओके, चलिए, ठीक है जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ओके, ठीक है जी, चलो। सो इस केस में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, वर्क डन क्यू टू पी को हम क्यू टू पहले सरफेस, Q2S लिख सकते हैं, फिर S2P लिख सकते हैं, याद रखेंगे Q2S and S2P, Q2S and S2P divided by mass M, ओके, इस तरह से। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो वर्क डन की बात करेंगे, सो वर्क डन Q2S लिखोगे तो Q2S लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, Q2S लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट जो होगा, ये देखो F.dr, हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, ओके, फ्रॉम R इक्वल टू इंफिनिटी टू, आपको क्या है यहां पे डायरेक्ट लिखें एक बार Q2P लिखें तो F.dr इंफिनिटी टू आर करना है, और ये जो होगा ये देखो यहां से ये जो है पोजीशन आर है, ओके। सो इंफिनिटी इंफिनिटी टू आर, यहां से यहां तक, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं माइनस एफ डॉट डी आर, ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ डॉट डी आर याद रखेंगे, एफ डॉट डी आर क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
ओके चलो ठीक है. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डॉट डी आर हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है जी. सो ये जो है फ्रॉम इंफिनिटी, देखो फ्रॉम इंफिनिटी, अच्छा लिमिट पहले स्प्लिट कर दें, इंफिनिटी टू आर मतलब क्यू टू एस, डब्ल्यू क्यू टू एस की बात करेंगे तो ये हो गया इंफिनिटी टू आर क्यू टू एस सरफेस तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा डब्ल्यू एस टू पी की बात करेंगे माइनस अगेन एफ डॉट डी आर जो हो जाएगा इंफिनिटी से सॉरी इंफिनिटी नहीं एस, एस क्या है आर का वैल्यू कैपिटल आर से स्मॉल आर पी. ओके सो ये याद रखोगे. सो माइनस एफ डॉट डी आर चलो. सो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू टू पी की बात करेंगे तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल निगेटिव, वो याद रखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स. ओके चलो ठीक है जी. निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स होता है. सो इसको आप याद रखेंगे यहां तक. चलो अब इसको ही हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में डील करते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड में डील करते हैं. सो v इनसाइड की बात करेंगे तो ये v जो होगा w बाय m हो जाएगा फ्रॉम q टू p, ये हो जाएगा आपका f डॉट डी आर की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर जी एम एम बाय आर स्क्वायर इन टू डी आर, और देखो यहां पे ये जो है आपका अगर एफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जी एम एम बाय एट एनी पोजिशन जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और इधर डी आर, इधर डी आर का इधर होता है मतलब क्योंकि यहां से इस बॉडी से इधर होगा डी आर की बात करेंगे इस केस में देखो यहां पे dr इधर है तो ये f डॉट dr की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका माइनस gmm बाय r स्क्वायर इंटू dr. ओके सो इसको हम माइनस मैग्नीट्यूड में डील करते हैं और माइनस माइनस पहले था तो ये इंफिनिटी टू कैपिटल r लिख लेते हैं तो एक माइनस पहले था क्यू टू पी की बात करेंगे तो ये माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर माइनस था इंफिनिटी टू कैपिटल आर. चलो ठीक है जी. इंफिनिटी टू कैपिटल आर हो गया. सो इंफिनिटी टू कैपिटल आर हो गया तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो हो गया क्यू टू पी कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एम प्लस ये जो हो जाएगा अगेन माइनस यहां पे जो लिखेंगे तो ये जो होगा एम नहीं हो रहेगा. उस केस में क्या हो जाता है जब इनसाइड देखो सरफेस के इनसाइड जाते हैं तो इनसाइड जब जाएंगे तो एफ जो हो जाएगा एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ जी का वैल्यू क्या हो जाता है जी एम डैश बाय आर स्क्वायर तो ये हो जाता है आपका जी एम बाय आर क्यू इन टू आर आर क्यू इंटू आर हो जाता है तो ये याद रखेंगे जब इसमें आएंगे तो ये जी एम आर बाय आर क्यू इंटू डी आर. ओके चलिए इंटू डी आर हाँ इतना ही होगा माइनस माइनस ये हो जाएगा दैट इज इसको हम जी एम एम बाय आर स्क्वायर डी आर लिखो और वर्क डन बाय सॉरी क्यू टू एस
और एस टू पी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर लिखेंगे, सो इन्फिनिटी टू आर माइनस, तो ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे एस टू पी, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय आर क्यू इंटू आर डी आर, और ये होता है आर से आर तक, ठीक है जी। चलो सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, चलो ये समझ में आ गया यहां तक, इसको एक बार फिर से चेक कर लो, इसको एक बार फिर से चेक कर लो। सो एक बार फिर से बताते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज कहते हैं, यूनिट यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द फील्ड, ओके ब्रिंगिंग स्लोली, ओके स्लोली विदाउट एक्सलेशन। सो वर्क डन पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजिशन इन ए फील्ड, ओके। सो यूनिट मास करने का मतलब, अगर मान लो कि डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा एम मास को लाने के लिए, तो यूनिट मास को लाने के लिए डब्ल्यू बाय एम वर्क करना पड़ता है। सो अगर एम मास का है और इसको क्यू से इस पॉइंट पी तक लाने में हमें वर्क करना पड़ता है डब्ल्यू क्यू पी, देन हम वी यहाँ पे वी पी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू क्यू क्यू टू पी बाय एम। अब डब्ल्यू क्यू टू पी बाय एम को दो पार्ट में स्प्लिट करो, ओके, क्योंकि इधर से इधर लाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली लगेगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर लगेगा, लेकिन जैसे ही इनसाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ये हो जाता है तो जी एम एम बाय आर, सॉरी जी यहां पे एम एम आर इंटू डी आर हो जाएगा, ओके। अब इसको हम एम से डिवाइड कर देते हैं, तो एम से डिवाइड कर देते हैं, याद रखेंगे देखो ये क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ये वाला जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड का नेगेटिव होता है, ओके। चलो सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाय फील्ड हो जाता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मान लो कि ये एम मास है इधर, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इधर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इधर जी एम एम, जी एम एम बाय जी एम एम बाय आर स्क्वायर सब जानते हो आप, तो अगर स्लोली लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स को इधर लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल की बात करेंगे तो जी एम एम बाय आर, ओके। चलो इसकी बात करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर डी आर, सॉरी डी आर का तो डायरेक्शन इधर होगा, इधर लाना है, सो इस केस में मान ले कि इधर लाना है तो डी एक्स से इधर लाना है, तो ये जो हो जाएगा वर्क करना पड़ेगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू, अगर माइनस ऑफ डी आर कर लेंगे, माइनस ऑफ डी आर, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड इसकी बात करेंगे तो ये इस तरह से आप निगेटिव वर्क डन बाय फील्ड की बात करेंगे तो वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ओके। सो इसको सिंपली आप यहां पे याद रखोगे, चलो इसको हम मिटा देते हैं, अब हमारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी बन गया है। बेसिकली यहां पे हमें क्या लिखना था, सबसे शॉर्ट में बीपी को हमें लिखना था जी एम बाय आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू आर प्लस, देखो ये एम और ये एम कैंसिल आउट, तो ये हो गया जी एम आर क्यू आर डी आर, और इसमें जो लिमिट है आर टू स्मॉल आर, आर टू स्मॉल आर, ठीक है जी, ये हो गया। सो इसकी बात कर लें, सो इसमें क्या है डी आर बाय आर स्क्वायर, जी एम तो आपका क्या है कॉन्स्टेंट ही है, बाहर ले लो डी एम डी आर बाय आर स्क्वायर का माइनस वन बाय आर होता है, सबको पता है इन्फिनिटी से आउटपुट करोगे, ठीक है जी। और इसमें देखेंगे
तो ये जी एम बाय आर क्यूब है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और ये आर डी आर का आर स्क्वायर होता है, इसमें कैपिटल आर नीचे स्मॉल आर ऊपर पुट करेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो वीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, अगर वन बाय इंफिनिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम बाय आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसमें ही माइनस हम यूज कर ले, इसमें ही माइनस यूज कर ले। देखो ये एक्सप्रेशन यहां तक बहुत सिंपल है, ओके आ गया। बेसिकली आप पिछला वीडियो में जो कुछ था उसको आप भूल के इसको याद रखोगे तीन चार स्टेप को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इसको देखो यहाँ पे, इसको ये मैनिपुलेट करेंगे, आप रीअरेंज करेंगे। सो इसमें इसको हम मिटा देते हैं, चलो ये माइनस जी एम बाय आर है तो वीपी को माइनस जी एम बाय आर कर देते हैं, और इसमें देखो हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस जी एम बाय आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ सो वहां पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया कुछ, हाँ एक मिस्टेक किया है यहाँ पे, ये है टू, ये है टू, आर स्क्वायर बाय टू होगा, वीडियो में भी चेक कर लेंगे तो ये टू आर क्यू, चलो ठीक है जी, आर स्क्वायर बाय टू, टू आर क्यू हम ले लेते हैं। तो अब देखो अगर हम वी पी माइनस जी एम बाय टू आर क्यू कॉमन ही ले लेते हैं, टू आर क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें आर क्यू नहीं है तो आर क्यू अगर बनाएंगे तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने 2r क्यू लिया तो 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो माइनस ले लिया इससे भी, माइनस ले लिया इससे भी, तो और इसमें क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हो गया, bp इक्वल टू माइनस gm बाय 2r क्यू, और ये देखो इसमें 2r क्यू, इसमें gm बाय 2r क्यू लिया तो इसमें देखो 2r स्क्वायर से नीचे करेंगे, 2r स्क्वायर से ऊपर करेंगे, तो 2r क्यों नीचे हो गया, वो तो बाहर आ गया, इसका 2r स्क्वायर इधर बचेगा और इसका ये वाला इधर बच गया, तो ठीक है, माइनस वाला पहले ही ले ली तो ये प्लस आएगा यहां पर भी, ठीक है। सो ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके। सो इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, एक तो ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, और भी हम लिख सकते हैं वीपी इक्वल टू क्या है, माइनस जी एम बाय थ्री भी अगर कॉमन ले ले, थ्री भी कॉमन ले ले, टू आर माइनस जी एम बाय माइनस थ्री जी एम बाय टू आर ले लेते हैं, मतलब कि टू आर रखा तो आर स्क्वायर इधर गया तो आर स्क्वायर कैंसल, और थ्री तो पहले ही तो वन माइनस, और इसे थ्री कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, थ्री हमने इसमें से भी बाहर लिया तो आप इसको कर सकते हो आर स्क्वायर बाय थ्री आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो देखो ये याद रखेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ओके, और आपकी मर्जी जैसे भी लिखो, आप इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको ही लिख सकते हो वीपी इक्वल टू माइनस थ्री, इससे भी बाहर ले लें तो या और भी ये आर स्क्वायर माइनस इसकी बात कर लें तो जी एम बाय आर कॉमन, और ये हो गया थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर, इससे 2r स्क्वायर निकाल के इसके अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे आप इसको ही लिख सकते हो माइनस जी एम बाय आर, और ये देखो 3 बाय टू माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ठीक है बच्चे। सो इनसाइड किसी पॉइंट पे, देखो इनसाइड किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन सॉलिड स्फीयर के केस में
ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आपको पता है पोटेंशियल एट सरफेस क्या होता है, पोटेंशियल एट सरफेस की बात करते हैं तो पोटेंशियल एट सरफेस आप लिखते हो क्या, वी एस इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, चलो हम इसको हम मिटा देते हैं। वी एस इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर लिखते हो, सो पोटेंशियल पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर के बात करेंगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। सो अगर इसमें आर का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, वी सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर जो हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू वी जी एम बाय आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस। ओके, सेम रिजल्ट आएगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उस पर भी याद रखेंगे सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, थ्री बाय टू टाइम्स सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, दोनों केस में याद रखें। कब, सॉलिड स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर के केस में तो क्या होता था, सरफेस पे पोटेंशियल सेंटर पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, इनसाइड किसी पॉइंट पे है वो भी कांस्टेंट ही होता था। ओके, सो सरफेस के, सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर पे क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ माइनस हटा दे तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेंटर पे सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा है, थ्री बाय टू टाइम्स है, ये पॉइंट याद रखोगे। और ग्राफ जो होता है सॉलिड स्फीयर के केस में पोटेंशियल का, इसको आप पॉज करके अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला तो एक्सप्रेशन ये याद रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सरफेस पे सबको याद रहता है, सरफेस पे माइनस जी एम बाय कैपिटल आर हो जाएगा वी सरफेस। और ग्राफ की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये है आर, सो ये जो हो जाएगा मान लो कि ये माइनस जी एम बाय आर होता है जो कि सरफेस पे होगा, और इसकी बात करें तो यहां से यहां तक कितना, यहां पर ले लेते हैं वी एस, और ये वी सी की बात करेंगे तो माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर हो जाएगा। ये देखो माइनस जी एम बाय आर, ये पोजीशन माइनस थ्री बाय टू जी, सो यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, सो ये यहां से यहां तक सेंटर पे ये होगा, और इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसा होगा, ग्राफ जो होता है ग्राफ ये ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ओके, सो इस तरह से याद रखेंगे वी और आर सॉलिड स्फीयर का। एक बार और वी आर की बात करेंगे, इफ आर इन लेस देन आर देन वी आर जो हो जाता है माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर क्यू, और ये हो जाता है आपका टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको आप याद रखोगे। एंड वी आर सरफेस पे एट सरफेस तो ये माइनस जी एम बाय आर, एंड वी सेंटर की बात करेंगे तो ये हो जाता है माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। ओके, सो इसको ग्राफ को याद रखेंगे, सरफेस पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, इनसाइड किसी पॉइंट पे जनरल जो होगा एक्सप्रेशन ये होगा। एंड इफ जो है आर जो है कैपिटल आर से ज्यादा है तो वी जो हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, पॉइंट मास की तरह। ओके, सो तीन एक्सप्रेशन चार एक्सप्रेशन इसमें याद रखेंगे सॉलिड स्फीयर वाले केस में, इसको याद रखेंगे। वेरी सिमिलर फैशन में इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और टेस्ट आईटीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, पर्टिकुलरली ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी। सो दोनों याद रखोगे। हॉलो स्फीयर के केस में क्या बताया, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या बताया, डिस्क के केस में क्या बताया, आपको एंगल के फॉर्मेट में भी याद रखोगे, रिंग के केस में क्या होगा वो भी याद रखेंगे। सो उसको एक बार आप कंपाइल कर लोगे, चलो ठीक है। सो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। एक और टाइप का बता लेते हैं इस वीडियो में, एक और टाइप का हो जाएगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर। देखो सॉलिड हेमिस्फेयर एंड हॉलो हेमिस्फेयर में क्या होगा, जैसे टेनिस बॉल है उसको कट करेंगे तो अंदर खोखला होता है, तो वो हो गया हॉलो हेमिस्फेयर। जैसे तरबूज है थ्रू आउट मास होता है, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन को हाफ कट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉलिड हेमिस्फेयर। सो सॉलिड हेमिस्फेयर के केस में मान लो कि ये जो है आपका, ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड हेमिस्फेयर एट सेंटर ऑफ बेस, एट सेंटर ऑफ बेस। सो बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा और उसका सेंटर ये है, ओके चलो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ओके। सो एलिमेंट जो कंसीडर करेंगे, सो एलिमेंट की बात करेंगे यहां पे देखो। सो ये क्या होगा, अगर हमने ये बेस है इससे थीटा एंगल पे कंसीडर किया तो ये डी थीटा का एक जो है, हम छोटा सा थीटा एंगल पे डी थीटा कंसीडर करते और उसको लेकर पूरा जो मटेरियल है, पूरा मास, पूरा मास जो है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, पूरा मास हम कंसीडर करेंगे, ओके। सो ये वाला जो पैच एरिया होगा, ये थिकनेस जो है, अगर आप मान लो कि तारबूज को काटोगे स्लाइस में इस तरह से, इस तरह से, तो क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा, डिस्क मिलेगा, और उस डिस्क का रेडियस जो होगा, डिस्क का रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये वाला जो रेडियस आर होगा, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस देखेंगे, ये भी आर, ये भी कैपिटल आर। सो ये रेडियस जो है आर है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आर है, और ये थीटा है, ये वाला पॉइंट थीटा बना रहा है, ये वाला पॉइंट थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है, तो ये वाला जो आर्क लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा। सो अगर ये वाला जो है डिस्क को खोल के देखेंगे, खोल के देखेंगे, ओके, सो खोल के पूरा देखोगे, डिस्क की बात करेंगे तो ये डिस्क का जो होगा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, एरिया डी ए की बात करेंगे तो 2 पाई आर होगा एरिया, दैट इज 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि आर जो है, मतलब ये वाला जो होगा इस सर्कल के लिए देखेंगे, इस डिस्क के लिए, तो ये वाला जो होगा रेडियस स्मॉल आर, और स्मॉल आर होगा कैपिटल आर साइन थीटा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कैपिटल आर है और ये थीटा है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ये थीटा है, सो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आर कॉस थीटा हो रहा है जी, यहां से थीटा, हाँ थीटा यहां से कंसीडर किया है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, याद रखेंगे, ओके। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, फिगर को, ये मान लो तारबूज का आधा काटेंगे, तो तारबूज का आधा काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ओके। तारबूज के बेस का जो बेस होगा, तारबूज ऐसा है,
वाटरमेलन, बेस का सेंटर ये है। अब यहां से किसी पॉइंट सरफेस पे, तरबूज के सरफेस पे देखा तो ये यहां से इस पॉइंट तक ये क्या होगा, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये मान लो कि बेस से थीटा एंगल पे है, बेस से थीटा एंगल पे है। अब इसको छोटा सा हमने क्या किया, सेक्शन कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ये दोनों के बीच में डी थीटा बन गया। सो अब जो है ये वाला एक्सिस है, सो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एक सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये देखो हमें एक डिस्क मिल जाएगा। और डिस्क का क्या होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, डिस्क का पर एरिया होगा और कुछ थिकनेस होगा। सो वो हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो डी वी इक्वल टू बात करेंगे तो डी ए इंटू थिकनेस, थिकनेस की बात करेंगे तो ये थिकनेस क्या होगा बताओ, थिकनेस जो होगा हमारा ये हो जाएगा टी इक्वल टू आर डी थीटा, टी इक्वल टू आर डी थीटा हो गया थिकनेस। और एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, टू पाई आर होगा। अब देखो ये आर हो गया तो ये थीटा है, तो ये आर है और ये भी थीटा हो गया, तो ये वाला स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर आर कॉस थीटा होगा, तो यहां पे साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लिखेंगे। सो ये हो गया टू पाई आर, टू पाई आर, सॉरी यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर करेंगे, बेस एरिया डिस्क है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। सो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड थिकनेस इंटू आर डी थीटा, ठीक है जी। सो छोटा सा वॉल्यूम जो है, अगर हम स्लाइस बनाएंगे वाटरमेलन का स्लाइस टाइप का, ये जो होगा सर्कुलर स्लाइस बनाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर डी थीटा थिकनेस। सो ये हो गया आपका पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा वॉल्यूम। सो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास क्या होगा, तो मास की बात करेंगे, तो मास की बात करेंगे तो छोटा सा मास dm इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मास इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर एंड टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यू, तो इसका हो जाएगा 2 बाई 3 पाई आर क्यू, उसका आधा, टोटल स्फीयर का 4 बाई 3 पाई आर क्यू, तो उसका आधा हेमिस्फीयर है, आधा ही है, हेमी सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका आधा ही होगा। इनटू डीबी की बात करेंगे तो डीबी है हमारा पाई आर क्यू, पाई आर क्यू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डीएम हो गया हमारा, डीएम हो गया क्या हो गया बताओ, डीएम हो गया पाई पाई कैंसिल कर दो, थ्री आर क्यू भी कैंसिल कर दे, आर क्यू भी कैंसिल कर दें जी, चलो आर क्यू भी कैंसिल कर देते हैं, तो 3m बाय 2, 3m बाय 2, ये 3 ऊपर गया 2 इधर रहेगा, पाई पाई कैंसिल हो गया और ये आर क्यू कैंसिल हो गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर डी थीटा, कॉस स्क्वायर डी थीटा हो गया। चलो सो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया थीटा एंगल पे डी थीटा का, तो ये हो गया हमारा डिस्क हो जाएगा स्लाइस, और डिस्क का जो मास होगा ये होगा 3 बाय 2 एम कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। सो डीएम मिल गया, अब जानते हो ये क्या है, स्लाइस आपका क्या है, डिस्क है, एलिमेंट इसमें क्या हो गया, डिस्क हो गया। तो डिस्क एलिमेंट के कारण, डिस्क एलिमेंट के कारण जो है एक्स डिस्टेंस पे, डिस्क के कारण एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, पीपी पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क की बात करेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क क्या हो जाता है बताओ,
अभी मैंने बताया था आपको कि Vp इक्वल टू माइनस 2gm बाय r cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। सो ये हो गया dvp हो जाएगा और m की जगह क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ओके, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा तो एक बार इसके फिर से बना लेते हैं। ओके चलो, ये बेस है, सो यहां से ये वाला डिस्क है। चलो, इस डिस्क की वजह से अब यहां पे जो है ये देखेंगे तो ये मिल गया आपको थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में। सो ये थीटा जो होता था इधर से बनता था, थीटा जो है इधर से बनता था। ओके, सो थीटा का जो है उधर से बनता था तो इतना होगा। अब इस केस में इधर से बन रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मान लेते कि हाँ ठीक है थीटा इधर से है तो 90 से जीरो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, सो इस केस में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता था और थीटा जो था ऐसा था, थीटा ऐसा था। सो इसमें अगर हम बात करें, सो अगर ये फाई अगर ऐसा है, मान लेते हैं ये जो है फाई की बात करें, ये फाई है अगर, तो ये जो होगा 90 माइनस माइनस 2gdm बाय r, और कॉसेक की जो है फाई की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा जो होगा tan थीटा हो जाएगा, सॉरी phi, इसको हम phi बोल देते हैं, इसको phi बोल देते हैं, और थीटा की बात करेंगे तो ऐसा रखते हैं। चलो ठीक है, मतलब कि थीटा हम यहां से, ये है थीटा और ये phi है। ओके, एक्चुअली हम वहां पे कंसीडर कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग उल्टा ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और Vp की बात करें तो ये माइनस 2g, और dm की बात करेंगे तो 3/2m cos square theta d theta dm हो गया divided by r, और क्या हो जाएगा यहां पर sec थीटा माइनस टेन थीटा। चलो ठीक है जी, sec थीटा माइनस टेन थीटा। सो ये dvp हो गया, vp की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dvp कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। देखो ये क्या मिलेगा हमें, सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2-2 कैंसिल कर दें तो 2-2 कैंसिल कर लेते हैं, माइनस 3gm। चलो ठीक है जी, कर देते हैं माइनस 3gm, और 2-2 तो कैंसिल हो गया, r तो चलो ठीक है रहेगा ही रहेगा। अब ये अंदर जाएगा तो एक हो जाएगा cos square theta into sec theta, तो एक cos theta sec theta खत्म हो गया, बचेगा cos theta, cos theta, और ये क्या हो जाएगा cos square theta minus tan theta की बात करें तो एक cos theta वो भी खत्म, तो ये बचेगा आपका minus sin theta into sin theta into इसका एक cos theta तो बचेगा ही, cos theta d theta। चलो, so इसका ही इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा का वैल्यू देखो, हम यहां से इधर लाएंगे तो थीटा का वैल्यू जो है, या फिर थीटा का वैल्यू यहां से यहां जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, थीटा का वैल्यू 0 से π/2 हो गया। सो चलिए, होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे वीडियो को और उसको आप क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका वैल्यू जो होगा सॉलिड हेमिस्फीयर के कारण, अब इसको हम जो इंटीग्रेट करेंगे वही वैल्यू हमें मिलेगा। सो वीपी की बात करेंगे तो ये हो गया आपका
माइनस 3gm बाय r और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2, ठीक है। और ये जो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका, अगर हम बात करें तो 0 से पाई बाय 2 डी थीटा। सो ये कॉस थीटा डी थीटा का कॉस थीटा का हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, और उसका वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 3gm बाय r तो रहेगा ही रहेगा, और कॉस थीटा डी थीटा का ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा का 0 से पाई बाय 2 पुट करोगे तो 1 होता है। और इसकी बात करेंगे तो ये देखो हमने पहले भी करा है ऐसा इंटीग्रेशन, साइन थीटा कॉस थीटा को डी थीटा को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और ये जो हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 तो एक रहेगा ही रहेगा, और 2 थीटा वाला 2 भी यहां पे आ जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, ओके। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, अगर आप 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करोगे, 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, सॉरी पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई होता है माइनस 1 तो 1 बाय 4 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसमें आप पुट करो 0 से पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो गया पाई, और ये हो गया आपका माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस दैट इज 1, 1 बाय 4, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम यहीं पे 1 बाय 4 और फिर माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस कॉस 0 बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 भी 1 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2, इसका वैल्यू जो होगा 1 बाय 2 होगा, इसका वैल्यू 1 बाय 2 और 1 माइनस 1 बाय 2 होगा, और इसको हम फाइनली जो है यहाँ पे 3 था, सो Vp इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 बाय 2 gm बाय r, ओके माइनस 3 बाय 2 gm बाय r होगा। आप इसको सिमेट्रिसिटी से भी यूज कर सकते थे, इस पे कोई दिक्कत नहीं, और भी मेथड है उसको भी हम यूज कर सकते थे, सो हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग क्या होगा। सो हम क्या किए, एक सॉलिड हेमिस्फीयर की वजह से, देखो ये सब इंटीग्रेशन पार्ट आके हमें नहीं करवाना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा सर ऐसा क्यों कर दिए, तो हम ये इंटीग्रेशन का यूज करके, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ोगे और ये सब टर्म को आसानी से समझ लोगे आप 12th में, सो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपने अभी तक नहीं पढ़ा इसीलिए हमने इंटीग्रेशन करके पुट किया ये वैल्यू। सो इसका वैल्यू हो जाता है 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 2, तो 1 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2, और यहाँ पे माइनस 3 पहले है तो ये माइनस 3 बाय 2। सो होपफुली आप यहाँ पर समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है वो आप समझ गए। एक तो दो चार जो है रिंग के कारण क्या होगा, डिस्क के कारण क्या होगा, ये सब हमें याद ही रखना पड़ेगा। हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, उसमें 3 केस याद रखेंगे, इनसाइड एट सरफेस आउटसाइड। सॉलिड स्फीयर के केस में भी इनसाइड आउटसाइड एंड एट सरफेस याद रखते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। सॉलिड स्फीयर वाला जो है इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ सबका इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का भी ग्राफ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी ग्राफ याद रखेंगे और रिजल्ट भी याद रखेंगे। जितना हमने मेथड बताया वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, आगे भी हेल्पफुल रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब सीखेंगे सिमिलर मेथड का एप्लीकेशन करेंगे हम लोग वहां पे, सो इसको याद रखेंगे। ये वाला रिजल्ट था क्या, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ बेस इन केस ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर, ओके टोटल मास है ये रेडियस है। चलिए तो आज हम इस क्लास में इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं, रिमेनिंग पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, होपफुली आप लोग सेफ रहेंगे, अपने फैमिली को भी सेफ रखेंगे।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।